सुने बेटा ध्यान से। तो हम लोगों ने लास्ट जो टर्न था, मैं फिर से सारी बातें बोलता हूँ, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कैटायन और क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन कंप्लीट कर लिया था। नाउ अब अपन करने जा रहे हैं, वो तो सब प्रिलिमिनरी टेस्ट है, अब हम करने जा रहे हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट। उसमें हमको एक बार कैटायन के करने होंगे, एक बार एनायन के करने होंगे। पहले हम एनायन के टेस्ट करते हैं। ये बुकलेट जो आपके पास है, इसमें इनिशियली पहले कैटायन्स के टेस्ट दे रखे हैं। इन कैटायन्स के टेस्ट में भी वो भी कुछ ड्राई टेस्ट है, वो अलग से पढ़ने होंगे। फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा एनायन। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक, दैट इज एनायन। तो फोकस करना इस टॉपिक पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मतलब कोशिश करना कि आपको पूरी तरह ये टॉपिक समझ में आ जाए, बिकॉज दिस इज द ओनली वे जिससे अपन इस टॉपिक पे कमांड कर सकते हैं। ठीक है, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना, और प्लीज ये समझना कि हम सॉल्ट एनालिसिस नहीं पढ़ रहे हैं। जितने भी एनायंस और कैटायंस है, एक तरीके से इनकी पी ब्लॉक की और डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। सबसे पहला हमारे पास आता है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। इसमें जब भी आप ये बुकलेट देखेंगे तो यू विल फाउंड कि सबसे ऊपर की तरफ इन लोगों ने यहां पर सॉल्युबिलिटी मेंशन कर रखी है। तो सबसे पहले कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी क्या है? ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट एल्कली मेटल एंड अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम और एल्कली मेटल जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं कार्बोनेट, अदरवाइज दुनिया के सारे कार्बोनेट्स पानी में इनसॉल्युबल होंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करेंगे बाइकार्बोनेट्स की, तो दुनिया के सारे बाइकार्बोनेट्स वाटर के अंदर कैसे होंगे? सॉल्युबल होंगे, सारे के सारे वाटर में सॉल्युबल होंगे, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा। आई थिंक ये दोनों बातें सभी बच्चों को प्रॉपरली क्लियर है, इन दोनों बातों में कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। यस या नो? आगे चलते। अब जब भी हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो ये सेंट्रल बीकर से स्टार्ट करते हैं। ये जो सेंट्रल बीकर होता है, इसमें हम कोई एसिड डालते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ रिएक्शन सिखाई थी, याद है आप लोगों को? रिएक्शन मैंने सारे एनायंस पे एसिड डाल के दिखाया था, और ये बताया था कि जब एसिड डालते हैं तो एक पर्टिकुलर गैस निकलती है। लेकिन इस जगह पर अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड करना चाह रहे हैं। वो पॉइंट क्या है मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनते जाना। देखो जरा बोर्ड पर ध्यान से। तो ये जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है, हमने इसके अंदर कुछ ऐड किया और एक गैस निकली। तो ये जो चीज है, इसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। हम यहाँ पर एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट। प्रिपरेशन ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट, आखिर ये सोडा एक्सट्रैक्ट क्या चीज है, हम इसको क्यों प्रिपेयर करते हैं, वो समझते हैं। ये क्यों प्रिपेयर होता है? टू कन्वर्ट गिवन गिवन सॉल्ट ऑफ एनायन, गिवन सॉल्ट ऑफ एनायन इंटू सोडियम सॉल्ट। अब ये क्या कहानी है, हम क्या कहना चाहते हैं, उस बात को समझाने की कोशिश करता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जब मैंने आपको एक कार्ब एनायन ये सब चीजें पढ़ाई थी, तो उस जगह पर एक चीज आपको याद होगा, मैं वापस से रिवाइज कराता हूँ। हम लोगों ने एनायन पे कुछ एसिड्स डाले थे, याद करो कैसे डाले थे एसिड्स? जैसे कि पहला नंबर कार्बोनेट था या बाइकार्बोनेट था, तो हमने उस पे कौन सा एसिड डाला था बेटा, बताओ? क्या हमने उस पे डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 डाला था? जब हम उस पे डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, हमें क्या मिलता है? क्या ऐसी कंडीशन में H2CO3 मिल जाता है, और H2CO3 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? H2O+CO2 में। ये हमने पढ़ा था। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि ये तो सर एनायन के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो चीज है ये तो एनायन है, व्हाट अबाउट द कैटायन? क्या कैटायन मेंशन है? नहीं, आपने तो रेंडमली ये सोचा कि कैटायन जो भी कुछ होगा ऐसा करने पर रिएक्शन आगे चल जाएगी, CO2 गैस निकल जाएगी। शायद नॉर्मली ऐसा होगा भी, इवन SO3 2- में भी हमेशा ऐसा होगा। तीसरा नंबर अगर अपन बात करेंगे सल्फाइड में, सल्फाइड में डाइल्यूट HCl डालने पर रिएक्शन आगे कब जाएगी और कब नहीं जाएगी? क्या इसके लिए आपको याद है, ट्रेन पढ़ाई थी मैंने आपको, क्या याद दिला सकता है आप में से मुझे कोई? ट्रेन ट्रेन क्या थी? और उसके बाद बीच में NIS है, COS है, PbS है, Ag2S है, या Bi2S3 है, या कोई से भी ब्लैक मेटल सल्फाइड है, और आखिरी में जाता था HgS। क्या बताओ ये किस में डिजोल्व होता था? डाइल्यूट HCl डाइल्यूट SO4 में डिजोल्व हो जाता था, ये किस में जाके डिजोल्व होता था?
हाँ डाइल्यूट HNO3 डाल दो, कॉन्सेंट्रेट HNO3 डाल दो, ये सब चीजें डाल दो। और HGS किस में आके डिजोल्व होता था? एक्वाटीज। अब इमेजिन करो कि आपको जो सल्फाइड यहाँ दिया है, ये सल्फाइड आपको FeS दिया है, तो क्या यहाँ पर H2S गैस रिलीज हो जाएगी इस रिएक्शन से? हो जानी चाहिए कॉन्सेप्चुअली। लेकिन अगर आपको यहाँ FeS की जगह उसने FeS ना देते हुए, अगर उसने मान लो यहाँ पर PbS दे दिया, तो क्या H2S निकलेगी या नहीं निकलेगी? क्योंकि आप तो डाइल्यूट HCl ही डालोगे, नहीं निकलेगी। और हम इससे क्या इन्फ्रेंस निकाल लेंगे कि यहाँ सल्फाइड नहीं है, जबकि यहाँ सल्फाइड है लेकिन यहाँ H2S नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि वो डिकम्पोज ही नहीं होगा। उसको डिकम्पोज करने के लिए हमें क्या डालना है? और हम तो डालते क्या है, दो तरह के एसिड डालते हैं, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट SO4, जो कि क्या है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। ठीक है, तो ये तो एग्जामिनर ने हमें इस कंटेनर में दिया भी है सल्फाइड, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। तो हमने इसके लिए क्या किया, यहां पर प्रिपरेशन ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट किया। क्या है ये प्रिपरेशन ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट, ध्यान से सीखते हैं इस प्रिपरेशन ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट को। इसमें हम लोग जो भी सैंपल सॉल्ट दिया रहता है, जो भी हमें सैंपल सॉल्ट दिया रहता है, हम उसमें Na2CO3 मिलाते हैं और इसके पेस्ट बनाते हैं, बाद में बॉईल करते हैं पानी डाल के। पेस्ट बनाते हैं, बाद में बॉईल कर देते हैं। जब इसको बॉईल करते हैं तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो भी हमारा सैंपल सॉल्ट है, उसका एनायन सोडियम के साथ जुड़ जाता है, सोडियम के साथ जुड़ जाता है, और जो उसके कैटायंस हैं, जो उसके कैटायंस हैं, वो कार्बोनेट के साथ जुड़ जाते हैं। आयन एक्सचेंज कर दिया मैंने। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप ध्यान दीजिए, तो ये जनरली वाटर सॉल्युबल है, जनरली, या मतलब ऐसा कह सकते हैं सॉल्युबल है ऑलवेज, सॉल्युबल होते हैं ऑलवेज। क्या सोडियम सॉल्ट ऑलवेज सॉल्युबल होते हैं और जनरली इनसॉल्युबल होते हैं? जनरली कैसे होते हैं ये? इनसॉल्युबल होते हैं। अब आप सोचिए, अगर ऐसी कंडीशन में अगर आप इसको फिल्टर करोगे तो क्या होगा? अगर आप ऐसी कंडीशन में इसको फिल्टर करोगे तो क्या होगा बताओ? रेजिड्यू में कौन आएगा? रेजिड्यू में क्या इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स आ जाएंगे जो यहां पर है? लेकिन यहां जो फिल्ट्रेट आएगा, यहां जो फिल्ट्रेट आएगा, उस फिल्ट्रेट में क्या सॉल्युबल एनायंस होंगे? कौन होंगे? सॉल्युबल एनायंस। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडा एक्सट्रैक्ट। इसको हम लोग कहते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट। ऐसा करने से फायदा एक्सट्रैक्ट, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ मेरा बेटा बताओ? क्या हमारे पास जो भी सैंपल सॉल्ट है, उस सैंपल सॉल्ट को एक बार के लिए हमने सॉल्युबल कन्वर्ट कर दिया। एक एग्जाम्पल करते हैं, शायद बेहतर समझ में आ जाएगा, जिनको समझ में नहीं आया उनको और बेहतर समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ट्राई करके देखते हैं, आप लोग हो सकता है कि उस बात को इजीली समझ जाओ। जरा बोर्ड पर ध्यान से एग्जाम्पल को देखिएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, हमको एग्जामिनर ने जो सैंपल दे रखा है उसमें एक तो दे रखा है PbS दे रखा है, एक हमारे को लेट से ZnCO3 दे रखा है, हो सकता है कि उसने हमें BaSO4 दे रखा है, हो सकता है उसने हमें Ca और फॉस्फेट Ca3PO4 Ca3PO4 होल ट्वाइस दे रखा है। हो सकता है कि उसने हमें कोई सॉल्युबल कंपाउंड्स लाइक उसने हमें AgNO3 भी दे रखा है। ये सब चीजें उसने हमें दे रखी है। बताओ हम लोग कर क्या रहे हैं, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? ये जो हमको दिया हुआ है सैंपल सॉल्ट है, ये सैंपल सॉल्ट है। बताओ हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? क्या हम एनायन के टेस्ट पढ़ रहे हैं? तो हमारी नजर सिर्फ किस पे होनी चाहिए? इन एनायन पे हमारी नजर होनी चाहिए। इन एनायन को हमें डिटेक्ट करना है। अब इन एनायन को डिटेक्ट करने के लिए हमारा पहला तरीका क्या होता था? प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होता है? एनायन को डिटेक्ट करना होता है तो प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होता है बताइए सब बच्चे? अगर हमें एनायन को डिटेक्ट करना है तो प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होता है? क्या एडिशन ऑफ एसिड? अरे हाँ, या ना, अगर हम वो एसिड डालेंगे तो बताओ PbS तो जवाब ही नहीं देगा, क्योंकि PbS तो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट HCl4 में डिजोल्व ही नहीं होता। तो हम यहाँ सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, उसमें हमने डाला Na2CO3 और बॉईल कर दिया। ऐसा करने से क्या क्या हुआ सोचो और बताओ, क्या क्या हुआ होगा? इमेजिन करो और बताओ क्या हुआ होगा, बोलो क्या क्या हुआ होगा? ऐसा करने से क्या क्या हुआ होगा?
ऐसा करने से मुझे ऐसा लगता है कि सोडियम के साथ जुड़ गया सल्फाइड Na2S, सोडियम के साथ जुड़ गया कार्बोनेट Na2CO3, प्लस सोडियम के साथ जुड़ गया सल्फेट Na2SO4, सोडियम के साथ जुड़ गया फॉस्फेट Na3PO4, सोडियम के साथ जुड़ गया नाइट्रेट NaNO3। क्या आप सभी को मालूम है सॉल्युबल होते हैं सबके सब? बताइए सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या क्या बना? क्या कार्बोनेट के साथ पीबी जुड़ गया, PbSO4, ये सॉरी PbCO3, पानी में इनसॉल्युबल। Zn के साथ CO3 पहले भी था, अभी भी ZnCO3 पानी में इनसॉल्युबल। बेरियम के साथ सल्फेट, बेरियम के साथ अब क्या आ जाएगा? कार्बोनेट, वो भी पानी में इनसॉल्युबल। कैल्शियम के साथ कार्बोनेट CaCO3, वो भी इनसॉल्युबल। बताइए Ag2CO3, वो भी इनसॉल्युबल। क्या ये तो वेस्ट है, हम इसको फेंक देंगे? ये तो कौन हो गया? वेस्ट। और ये जो वेस्ट हो गया इसको तो हमने फेंक दिया, और ये जो चीज है इसका नाम क्या होता है? सोडा एक्सट्रैक्ट। ये क्या होता है? सोडा एक्सट्रैक्ट। बताओ अब आप में से कोई बच्चा मुझे ही बता सकता है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, कि सोडा एक्सट्रैक्ट क्या होता है? सोडा एक्सट्रैक्ट होता क्या है, कोई बता सकता है? क्या मोटिव है सोडा एक्सट्रैक्ट के पीछे, बनाने के पीछे, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने के पीछे क्या मोटिव है? कोई भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करे। हाँ, क्योंकि हमको पता नहीं है एग्जामिनर ने हमें क्या दिया है, सैंपल सॉल्ट दिया है, उसमें एनायन के साथ में कोई भी कैटायन हो सकता है, वो जो भी कैटायन होगा वो हमें टेस्ट करने ही नहीं देगा, तो हम चाहते हैं वो कैटायन हटा के हमारा कैटायन लगा दे। हमारा कैटायन कौन है? सोडियम। हमने अपना सोडियम कैटायन उसमें लगा दिया। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है, नहीं आ रही? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलें आगे। पक्के से चलें बेटा आगे? तो यहां पर क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, नोट पॉइंट, हम हमारे सिलेबस के दो एनायंस के लिए सोडा एक्सट्रैक्ट नहीं बना सकते। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है हम कौन से दो एनायंस के लिए सोडा एक्सट्रैक्ट नहीं बना सकते या नहीं बनाते? हम हमारे सिलेबस में, हाँ बेटा क्या बोल रहा है बोल? बाइकार्बोनेट। वेरी गुड। बाइकार्बोनेट के लिए क्यों नहीं बनाते सोच? स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, तो उसका सोडियम अगर सॉल्ट बन गया तो क्या वो वेस्टेज के साथ चला जाएगा? तो इसलिए हम उसके साथ, उसके लिए सोडा एक्सट्रैक्ट नहीं बनाते। दूसरा बता, सोडा एक्सट्रैक्ट किसके लिए नहीं बनाते? देख मैं यहां लिख रहा हूं, क्या बता कि ये जो Na2CO3 है ये हमने मिलाया, तो क्या पक्की बात है कि यहां तो CO3 2 नेगेटिव पक्का ही होगा? ये कहां जाएगा? ये तो कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो हमने डाला है, तो ये तो हमेशा टेस्ट आएगा। तो जब भी हमें जैसे कार्बोनेट का टेस्ट करना होगा, तो इस कार्बोनेट के टेस्ट करने के बाद में सोडा एक्सट्रैक्ट बना लेंगे, क्योंकि कार्बोनेट तो हमेशा ही टेस्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो तो हम अपने हाथ से मिला रहे हैं। अरे हाँ या ना? तो हम यहां कह सकते हैं कि सोडा एक्सट्रैक्ट इज नॉट प्रिपेयर्ड, सोडा एक्सट्रैक्ट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव एंड बाइकार्बोनेट। सोडा एक्सट्रैक्ट बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के टेस्ट के लिए नहीं बनाया जाता, ठीक है ना? अब अपन जरा बोर्ड पर एक चीज देखते हैं, आप जरा ध्यान से देखें यहाँ क्या लिखा है, पढ़ के बताओ क्या लिखा है मेरा बेटा, यहाँ क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? ये सॉल्ट सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? सोडा एक्सट्रैक्ट। आगे चलते हैं, हर एक जगह पर बताइए यहां क्या लिखा है, हमने इनिशियली क्या ले रखा है यहाँ पे? तो हर एनायन के लिए हम सोडा एक्सट्रैक्ट से गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि कार्बोनेट्स के लिए हम लोग गाड़ी कहां से स्टार्ट कर रहे हैं बोलो मेरा बेटा? सॉल्ट सॉल्यूशन डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो गई? चलिए, तो सोडा एक्सट्रैक्ट वाला कंडीशन या कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया या नहीं आ गया?
आ गया। चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहला नंबर कार्बोनेट के ऊपर। सोडा एक्सट्रैक्ट हमने बना लिया, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के लिए नहीं बनाना, इसका मतलब पहले जो सैंपल दिया एग्जामिनर ने उसमें से थोड़ी सी चुटकी भरो, एक सैंपल ले लिया, उस पर डायल्यूट एसिड डायल्यूट SO4 डाल के देख लो, अगर CO2 की गैस निकली इसका मतलब एग्जामिनर ने हमें कार्बोनेट दे रखा है, तो थोड़ा सैंपल निकाल के रख लो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को चेक करने के लिए, और बाकी जो सैंपल है उस सैंपल को पहले सोडा एक्सट्रैक्ट बना लो, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद बाकी के जितने भी एनायंस हैं उनके टेस्ट किए जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोनेट्स के लिए। अब कार्बोनेट में सेंट्रल अपन बीकर से स्टार्ट करते हैं, इस बीकर के अंदर हमको पता नहीं है कि शायद उसने कार्बोनेट दे रखा है, हम सबसे पहला क्या करते हैं डाइल्यूट HCl डाइल्यूट SO4 डालते हैं, डालने पर CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस की प्रॉपर्टीज क्या है, ऑब्जर्वेशन है कलरलेस ओडरलेस गैस इवॉल्व विथ ब्रिस्क एफरवेसेंस, जैसे कि इनो को पानी में डालते ही ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलती है, वही चीज हम यहाँ कह रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन जो इसका होता है दैट इज एवोल्यूशन ऑफ ब्रिस्क एफरवेसेंस। आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, लैब टेस्ट जिसको अपन कहते हैं, हम अगर इसको लाइम वाटर के थ्रू पास कराएंगे तो क्या लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, बताइए लाइम वाटर मिल्की क्यों हो जाएगा, कोई बता सकता है मुझे लाइम वाटर मिल्की क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो क्या बना लेगा CaCO3 बना लेगा, और अगर CaCO3 में आपने और CO2 डाल दी, अगर आपने CaCO3 में और CO2 डाल दी तो बताओ क्या होगा, बाइकार्बोनेट बन जाएंगे, और बाइकार्बोनेट वाटर के अंदर क्या होते हैं सॉल्युबल होते हैं, और अगर बाइकार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल हैं और वो बन गए तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पहले टर्बिडिटी आई और ज्यादा डालने पर वो टर्बिडिटी चली गई, क्या हम अगर बॉईल करेंगे तो वो टर्बिडिटी री प्रोड्यूस हो जाएगी, क्या बताइए मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, तो टर्बिडिटी है वो क्या हो जाएगी रिप्रोड्यूस हो जाएगी, क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कोई कंफ्यूजन बोलिए, पक्के से क्लियर है सभी बच्चों को, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग कूच करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेरिएटा वाटर में अगर हम उसको डालेंगे तब भी हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, अगर हमने यहां पर उसको बेरिएटा वाटर में डाला तब भी हमें उसको हमें क्या देखने को मिल रहा है बोलो जरा, अगर बरिएटा वाटर में हमने उसको डाला तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, तब भी हमें क्या BaCO3 का PPT देखने को मिल रहा है, और BaCO3 का जो PPT है वो आपके सामने है कि BaCO3 जो बनेगा वो अगर एक्सेस अपन ने CO2 डाल दी तो क्या BaHCO3 होल ट्वाइस बन जाएगा, जो कि टर्बिडिटी गायब हो जाएगी और बॉइल करने पर रिप्रोड्यूस हो जाएगी, क्या बोलो मेरी बात समझ में आ गई क्या, चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद में अगला जो टेस्ट है वो क्या टेस्ट है, हमने पहला नंबर पढ़ा था प्रिलिमिनरी टेस्ट एडिशन ऑफ एसिड, उससे गैस निकलती है प्रॉपर्टी ऑफ द गैस से, और थर्ड टेस्ट हमने पढ़ा था प्रेसिपिटेशन, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं प्रेसिपिटेशन टेस्ट है। जो प्रेसिपिटेशन टेस्ट है वो बड़ा सिंपल है, हम चार रिएजेंट इसमें डाला करते थे, कौन कौन से रिएजेंट थे नाम बताओ, क्या CaCl2 BaCl2 लेड एसीटेट और AgNO3, हम ये चार रिएजेंट्स डाला करते थे। यहाँ पर देखो BaCl2 डालेंगे BaCO3 का PPT आ गया, लेड एसीटेट डालने पर PbCO3 का PPT आ गया, और AgNO3 डालने पर Ag2CO3 का PPT आ गया। ठीक है, जब प्रेसिपिटेट बन जाते थे तो क्या प्रेसिपिटेट डिसोल्यूशन टेस्ट करते थे, प्रेसिपिटेट डिसोल्यूशन में हम चार तरह के एसिड डाल सकते हैं, कौन कौन से, डाइल्यूट HCl डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HNO3 और एसिटिक एसिड, क्या BaCO3 में डाइल्यूट HCl डाला तो क्या वो डिसॉल्व हो जाएगा, डाला हुआ एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बना के एसिड वीक एसिड, यहाँ पर इसने डाइल्यूट HNO3 डाल के चेक कर लिया, जो भी आपको ऐसा नहीं है कि यही लिखा है तो यही डालना है, ये प्रोसेस कुछ भी डाल सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली आपको चार एसिड दिए गए हैं आप कुछ भी डाल के उसको चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर आप आगे चलें तो आप यहाँ पर PbNO3 बन गया जो कि वाटर सॉल्युबल है, ओके यहाँ पर Ag2CO3 बना, ये जो Ag2CO3 हमने बनाया इस पे ये अमोनिया की रिएक्शन को समझना पड़ेगा, क्या आपको मुझे बताना पड़ेगा, हमने आपको एक जगह पर नोट का बाप सिखाया था, क्या बता सकते हैं नोट का बाप क्या था, बोलो क्या था नोट का बाप, क्या था ऑल इनसॉल्युबल सिल्वर सॉल्ट, ऑल इनसॉल्युबल सिल्वर सॉल्ट आगे क्या था बिकम सॉल्युबल ऑन एडिशन ऑफ
ऑन एडिशन ऑफ क्या करने पर, ऑन एडिशन ऑफ हॉट डाइल्यूट HNO3, हॉट डाइल्यूट HNO3 एंड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, एंड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स लाइक कौन कौन थे बता बेटा, अंगद बताओ बेटा। हमारे पास था साइनाइड था, अमोनिया सोल्यूशन था एंड हाइपो, H2O32 नेगेटिव था, और दो एक्सेप्शंस थे, बता वो दो एक्सेप्शंस क्या क्या थे। AgX and Ag2S, ये दो एक्सेप्शन थे जो ऐसा नहीं करते थे, क्या याद आया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि Ag2CO3 बन रहा है, और Ag2CO3 अगर बन रहा है तो ये तो क्लियर है कि Ag2CO3 अमोनिया डालने पर डिजोल्व हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ अमोनिया डाली और वो डिजोल्व हो गया, देखो अमोनिकल कॉम्प्लेक्स बन गया। अगर आप यहाँ पर साइनाइड डालते तो भी वो डिजोल्व हो जाता, अगर आप यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 डालते तब भी वो डिजोल्व हो जाता, अगर आप यहाँ पे हाइपो डालते तब भी वो डिजोल्व हो जाता, इन सभी कंडीशन के अंदर वो डिजोल्व हो जाता। उसके बाद यहाँ पर एक बॉइल करके एक वर्ड लिखा गया, ये क्या चीज है जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना, मैं सिखाने की कोशिश करने जा रहा हूँ, सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस बात को समझना। आप लोगों को याद होगा कि आपने हीटिंग इफेक्ट पढ़ रखा है, बताओ हीटिंग इफेक्ट क्या था। मेरे पास आता है Ag2CO3 सॉलिड, Ag2CO3 सॉलिड को जब आप हीट करते हो बोलो क्या बनता है, क्या सीखा है हम लोगों ने। नहीं बेटा, यहाँ पे Ag के केस में तो Ag प्लस हाफ O2 प्लस CO2 बन जाती थी। अगर हमने सल्फाइड को भी हीट किया तो भी वो सेम चीज बनाएगा, हीट करने पर क्या बनाएगा, Ag प्लस O2 प्लस SO2, क्या यही पढ़ा था हम लोगों ने, यही हम लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं दैट इज समथिंग डिफरेंट। अगर मेरे पास Ag2CO3 पानी में इनसॉल्युबल है और हम ये रिएक्शन एक्वस मीडियम में बॉइल कर रहे हैं, यानी कि वो चीज पानी में है इनसॉल्युबल, कहने को वो चीज पानी में कैसी है, इनसॉल्युबल है, Ag2CO3 पानी में इनसॉल्युबल है, लेकिन हमने उसको पानी में रख के और फिर गर्म किया है तब क्या होगा, पानी में रखकर फिर गर्म किया है तब क्या होगा। वैसे ही हमारे पास यहां पर Ag2SO3 है, पानी में इनसॉल्युबल है, हमने एक्वस मीडियम में रखा और फिर उसको बॉइल करा, और फिर हमने उसको बॉइल करा, अब सवाल है कि अब क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है क्या होगा, कोई बता सकता है। सोचो और बताओ क्या होगा, समझिए। नॉर्मली तो Ag प्लस O2 बनता है, लेकिन अभी स्पेसिफिकली जब आप ऐसा करते हो बॉइल करते हो तो कार्बोनेट के केस में तो हमें देखने को मिलता है Ag2O प्लस CO2, लेकिन सल्फाइड के केस में ये पूरी तरह टूट जाता है Ag प्लस O2 प्लस SO2 में। कहानी ये है, कहानी का मतलब ये है कि डिफरेंस कहाँ आ जाता है, जब कार्बोनेट को हीट करते हैं सॉलिड फॉर्म में और सल्फाइड को हीट करते हैं सॉलिड फॉर्म में तो एक जैसा सा रिजल्ट है। इवन सल्फाइड को तो एक्वस मीडियम में भी बॉइल करते हैं तब भी वैसा ही रिजल्ट है, लेकिन यहां पर हमें रिजल्ट में अंतर देखने को मिला कि कार्बोनेट को अगर एक्वस मीडियम में मैंने बॉइल किया तो वो डिकम्पोज नहीं होता है Ag2O, यानी कि जिस टेम्परेचर पे ये टूट जाता है वो टेम्परेचर अभी Ag2O को तोड़ने लायक था नहीं, तो ये थर्मली लेस स्टेबल मान सकते हैं अपन। थर्मली कैसा मान सकते हैं, लेस स्टेबल, बाकी सब जगह पर मोर हीटिंग रिक्वायर्ड है और एट दैट टेम्परेचर Ag2O टूट जाता होगा। नीचे Ag2SO3 की भी स्टेबिलिटी ज्यादा है, Ag2SO3 की स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, और इसलिए ये भी टी टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता होगा टूटने के लिए, और उस टेम्परेचर पे Ag2O टूट जाता होगा, इसलिए Ag प्लस O2 बन जाता है। आई थिंक जो मैंने आपको बताया सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है या नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लेता हूं क्लियर होगा क्योंकि जवाब नहीं आएगा आपकी तरफ से। तो यहां पर अगर अपन समझें तो ये क्या हुआ, Ag2CO3 जब आपने बॉइल करा तो Ag2O बना, क्योंकि ये मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि अगर आपको हीटिंग इफेक्ट आपने पढ़ा होगा तो Ag2CO3 को आप तो हीट करके Ag प्लस O2 सुनते और यहाँ पर Ag2O बना दिया तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कहाँ से आया, इसलिए मैंने ये टॉपिक सिखाया।
आगे चलते हैं इसी से रिलेटेड एक और चीज इसमें पढ़ लेते हैं। क्या चीज है, क्या आप में से कोई बच्चा मुझे टॉलेंस रिएजेंट बताएगा? टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट AgNO3 को टॉलेंस रिएजेंट नहीं कहते हैं बेटा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। किसको कहते हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को। AgNO3 कौन से सोल्यूशन में होना चाहिए? अमोनिकल सोल्यूशन में। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। ये कैसे बनता होगा आप लोगों को मैंने सिखा रखा है कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन में। AgNO3 वाटर सॉल्युबल है, इसकी रिएक्शन जब आप NH4OH अमोनिकल सॉल्यूशन के साथ करोगे तो क्या बन जाएगा? क्या पहले Ag2O बनेगा? इनसॉल्युबल। लेकिन उसके बाद अगर आपने इसके ऊपर अमोनिया एक्वस एक्सिस के अंदर डाल दिया तो ऐसी कंडीशन में क्या ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा? AgNH3 होल ट्वाइस 2+ तो 1+ और यहां बाहर मैं नाइट्रेट लिख देता हूं एक्वस। क्या ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है? ये क्या है? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस होल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। ये पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहती है, और अगर ये पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहती है तो दिस सॉल्यूशन इज नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। इस पूरे सॉल्यूशन को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, क्योंकि आप लोग ये कह ही नहीं सकते कि इनमें से, अभी जैसे आपने टेस्ट ट्यूब में टॉलेंस रिएजेंट ले रखा है तो आप ये कह ही नहीं सकते कि वो किस जगह पर है वो रिएक्शन। वो इस फॉर्म में भी हो सकती है, वो इस फॉर्म में भी हो सकती है, वो इस फॉर्म में भी हो सकती है। तो इसीलिए टॉलेंस रिएजेंट अगर हम वर्ड बोल रहे हैं तो उसमें इट इज अ मिक्सचर ऑफ दीज थ्री, बिकॉज दीज ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। तो टॉलेंस रिएजेंट हम लोगों ने एक तरीके से यहां पर देखा, क्या हमने इसके ऊपर Ag2O पर अमोनिया डाला तो क्या ये टॉलेंस रिएजेंट हो गया? कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट पुराना काम में नहीं लेना चाहिए। अगर हम कहीं पर टॉलेंस रिएजेंट जो ऑर्गेनिक में आप रिड्यूसिंग शुगर को डिटेक्ट करने काम में लेते हैं तो वो काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टैंडिंग करने पर यानी कि पड़े रखने पर वो डिकम्पोज होके Ag3N बनाता है, और जरा सी भी ऐसे वार्मिंग कर दो मतलब उसके अंदर तो ऐसी कंडीशन में वो एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोजन का कारण है ये N2 का बनना। क्या आप लोगों को याद है N2 मैंने सिखाई है हाईली स्टेबल गैस है, और जब भी ये गैस बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं Ag3N इज ऑल्सो नोन एज फल्मिनेटिंग सिल्वर। वो क्या कहलाता है? फल्मिनेटिंग सिल्वर। फल्मिनेटिंग वर्ड जनरली तब आता है जब कुछ खोलती हुई चीज या फिर कुछ उबलती हुई चीज या कोई ऐसी चीज जो कि हाईली रिस्की होती है, जिसमें मतलब हाई एनर्जी कंटेंट होता है, उसको फल्मिनेटिंग कहते हैं। इसी तरह से आप लोग शायद ओलियम के लिए भी फल्मिनेटिंग वर्ड काम में लेते हैं। तो यहाँ पर Ag+N2 जो है वो बन गया है आप लोगों के सामने। मेरे को लगता है कि सभी बच्चों को ये Ag+N2 वाली रिएक्शन क्लियर है। कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो। कोई भी तरह का अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बोलिए। बढ़िया है। तो यहां पर हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन टेस्ट कर दिया। अब अपन चलते हैं, अगला हेडिंग क्या था? प्रेसिपिटेट डिसोल्यूशन करने के बाद में अगला हेडिंग रिडॉक्स टेस्ट था। इस रिडॉक्स टेस्ट के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो पहली रिएक्शन लिख रखी है कि जब ये जो CO2 है या कार्बोनेट हमने यहाँ ले लिया उसके ऊपर K2MnO4 की रिएक्शन करा रखी है। क्या आप में से कोई मुझे बोलो, क्या आप में से कोई मुझे इस पहली रिएक्शन को जस्टिफाई कर सकता है? आप में से कोई मुझे पहली रिएक्शन को समझा सकता है कि पहली रिएक्शन क्या है? क्या बेटा? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा, वेरी गुड मेरा बेटा। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, +4 से वो ऊपर जा नहीं सकता, ये क्लियर है। और
दूसरी बात कि वो प्लस फोर से नीचे आना चाहता नहीं है, तो वो हाईली स्टेबल है, तो वो कोई रिडॉक्स रिएक्शन शो नहीं करेगा, पर ऐसा लगता है कि जैसे उसने कोई रिडॉक्स रिएक्शन शो करी। एक्चुअली वो रिडॉक्स रिएक्शन वो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मीडियम को बदल रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि K2MnO4 होता है वो स्टेबल होता है एट पीएच ग्रेटर देन 11 पर, स्टेबल होता है ग्रेटर देन 11 पर वो स्टेबल होता है। अगर आपने उसके पीएच की वैल्यू को 11 या 11 से कम कर दिया तो वो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है KMnO4 और MnO2 में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर KMnO4 और MnO2 बन गया है। वही चीज मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो CO2 है ये CO2 KMnO4 और MnO2 में कन्वर्ट हो गई है। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? या CO2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन है, या CO2 ने पार्टिसिपेट किया? व्हाट डू यू थिंक, क्या कहते हो? क्या CO2 ने पार्टिसिपेट किया या CO2 की प्रेजेंस में ही रिएक्शन हुई? क्या कहते हो? ये CO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, CO2 ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्या ये बात सभी बच्चों को प्रॉपरली क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी से बता दो, जहां डाउट है वहां जल्दी से मुझसे पूछ लो जो भी डाउट है। चले आगे, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ओके, ये डिस्टिंक्शन बिटवीन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट क्या है वो भी समझाता हूँ। जरा बोर्ड पर इसके लिए कहानी को समझने की कोशिश करना जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, और यू विल गेट दिस थिंग वेरी इजीली। जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना, यहां पर आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, CO32 नेगेटिव एंड HCO3 नेगेटिव। इसको चेक करने का तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है, हम मान लेते हैं कि एग्जामिनर ने हमें कंटेनर के अंदर
कार्बोनेट और बायकार्बोनेट दोनों भी दे सकता है वो, दोनों में से कोई एक भी दे सकता है, हमें पता नहीं है, एक साथ मिक्सचर भी दे सकता है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर BaCl2 एक्वस डाल देंगे इन कोल्ड कंडीशन, कोल्ड कंडीशन यानी कि लेस देन रूम टेम्परेचर कंडीशन होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में अगर प्रेसिपिटेट आता है, तो हम देखेंगे कि वो BaCO3 का PPT है और BaHCO32 नेगेटिव वाटर सॉल्युबल। अगर दोनों मौजूद हैं तो ये तो पीपीटी बना लेगा और वो सॉल्युबल रहेगा। पीपीटी आना किस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इसका मतलब कार्बोनेट मौजूद था। हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे। जब फिल्टर कर लेंगे तो ऐसी कंडीशन में BaCO3 तो रेजिड्यू की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा और जो फिल्ट्रेट होगा, जो हमारे पास फिल्ट्रेट होगा, उस फिल्ट्रेट को हम बॉइल करेंगे। क्या करेंगे हम फिल्ट्रेट को बॉइल, जब फिल्ट्रेट को बॉइल करेंगे तो फिल्ट्रेट में तो ये भाई साहब होंगे, और अगर ये भाई साहब अगर हुए तो ये बॉइल करने के दौरान किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे BaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या BaCO3 का पीपीटी, व्हाइट पीपीटी आ जाना किस बात को शो करेगा कि यहां पर बायकार्बोनेट भी था, क्योंकि फिल्टर होने के बाद तो कार्बोनेट हमारा हट चुका है, फिर पीपीटी दोबारा कैसे आ गया। सोचिए पहले स्टेप में अगर पीपीटी नहीं आया, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर पीपीटी नहीं आया इसका मतलब कार्बोनेट नहीं है, और फिल्टर तो करने की फिर जरूरत ही नहीं है, फिर तो बॉइल करेंगे, बॉइल करते ही अगर पीपीटी आ गया इसका मतलब बायकार्बोनेट है। दूसरा कंडीशन, सिर्फ बायकार्बोनेट हुआ तो ऐसा होगा, अगर सिर्फ कार्बोनेट हुआ तो क्या हुआ, डालते ही पीपीटी आ गया, फिल्टर करने के बाद बॉइल करा फिर भी पीपीटी नहीं आया, इसका मतलब सिर्फ कार्बोनेट था, बायकार्बोनेट नहीं था। अगर दोनों मौजूद थे तो क्या होगा, पहले भी पीपीटी आएगा, फिल्टर करने के बाद जब बाद में बॉइल करेंगे तब भी पीपीटी आएगा, तब ऐसी कंडीशन में प्रूव हो जाएगा कि हाँ ऐसा होगा। हम चाहें तो यहाँ पर बॉइल भी कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर कोई बेस भी डाल सकते हैं, अगर बेस डालेंगे तो बायकार्बोनेट में से H+ निकल जाएगा, तब भी BaCO3 का पीपीटी आ जाएगा, व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, और तब भी ये शो हो जाएगा कि यहाँ बायकार्बोनेट। अब यही सब चीजें यहां समझा रखी है, आप देखिए, सबसे पहले उसने BaCl2 डाला, रूम टेम्परेचर या उससे कम कोल्ड कंडीशन में BaCO3 का पीपीटी आ जाएगा, अगर फिल्ट्रेट में HCO3 नेगेटिव है तो बॉइल करने पर फिर से पीपीटी आएगा या फिर बेस डालने पर भी पीपीटी आ जाएगा। ये सारी बातें नीचे मैंने लिखी है कि जरा बोर्ड पर देखें क्या लिखा है नीचे। कार्बोनेट आयन गिव्स प्रेसिपिटेट एट रूम टेम्परेचर व्हाइल बायकार्बोनेट आयन फॉर्म्स प्रेसिपिटेट बॉइलिंग। बायकार्बोनेट जो होते हैं वो बॉइल करने पर ही प्रेसिपिटेट देते हैं, वो भी कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट दे रहे हैं। किसका प्रेसिपिटेट दे रहे हैं, कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट दे रहे हैं। नीचे क्या लिखा है, वाटर इनसॉल्युबल कार्बोनेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन सोडा वाटर, दैट इज CO2 प्लस वाटर के अंदर वो डिजोल्व हो जाते हैं। क्या ये बात तो हमने पहले भी सीखी थी, दुनिया में किसी के बाप से मत डरो पर अपने बाप से डरो, याद आया आप लोगों को, ये वही वाली रिएक्शन। अब मुझे बताइए पूरा का पूरा कार्बोनेट का पेज एग्जैक्टली आप लोगों को लर्न हो गया? बोलो क्विड आउट चलते आगे चलते हैं और इसके बाद में सेकंड आता है सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव। सल्फाइड के टेस्ट भी हम लोग डिस्कस करते हैं। वैसे सल्फाइड हम लोगों ने तब कर लिया था जब अपन पी ब्लॉक के अंदर पढ़ रहे थे, फिर भी हम इसको दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं सो दैट की थिंग्स विल बी इजियर। अब यहां अगर हम देखें तो ये सोडा एक्सट्रैक्ट है हमारे पास, ये जो सोडा एक्सट्रैक्ट हमारे पास है हमने इसके ऊपर डाला डाइल्यूट HCl, और डाइल्यूट HCl डालते ही SO2 गैस निकलेगी। हमें कैसे पता लगेगा, ऑब्जर्वेशन क्या है, दैट इज कलरलेस गैस हैविंग सफोकेटिंग ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। क्या बर्निंग सल्फर की सफोकेटिंग ऑर्डर है, आपको मैंने बताया था पटाखे की स्मेल, याद है आप लोगों को मैंने बताया था। कैन बी डिटेक्टेड बाय लाइम वाटर टेस्ट और बेरिएटा वाटर टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट, बेरिएटा वाटर टेस्ट और डाइक्रोमेट टेस्ट, इन सब चीज से डिटेक्ट हो सकते हैं। चलिए इसके अंदर हम लाइम वाटर टेस्ट कर देते हैं।
बताइए, अगर मैंने इसमें CaCl CaOH होल ट्वाइस के थ्रू इसको पास किया, कोई मुझे बता सकता है प्रोडक्ट क्या बनेगा? विश्वास, क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा CaOH होल ट्वाइस के थ्रू, इसको अगर इस गैस को पास कर देंगे तो? CaOH होल ट्वाइस सॉल्यूशन के थ्रू अगर मैंने इस SO2 गैस को पास कर दिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? किसका पीपीटी बेटा? आवाज थोड़ी कट करके आ रही है, क्या बोल रहे हैं? कैल्शियम सल्फेट का पीपीटी बनेगा? नहीं बेटा, कैल्शियम सल्फाइड, यहाँ पर SO2 गैस है ना, तो CSO3 का पीपीटी बनेगा। कैसे कलर का पीपीटी होगा? व्हाइट पीपीटी होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने यहाँ पर बेरेटा वाटर डाल दिया, बेरेटा वाटर मतलब BaOH होल ट्वाइस, तो BaOH होल ट्वाइस भाव बता क्या बनेगा बेटा अगर BaOH होल ट्वाइस डाल दिया तो? भाव बता दे बेटा क्या बनेगा? है ही नहीं क्लास में। अंगद क्या बनेगा बेटा बता? BaSO3 का पीपीटी बनेगा, दैट इज व्हाइट पीपीटी। कैसा पीपीटी होगा वो? व्हाइट पीपीटी। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है क्या? तो इसने बेरेटा वाटर टेस्ट दे दिया, इसने CaOH होल ट्वाइस के साथ दैट इज लाइम वाटर टेस्ट दे दिया। अब बताओ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +4 है, और क्या ये +4 से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है? तो हमने यहाँ पर ये टेस्ट किया डाइक्रोमेट के साथ में, और ये हमने टेस्ट करा KMnO4 के साथ में। ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं? क्योंकि डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या करेगा, इसको सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फेट बना देगा और खुद ग्रीन कलर का Cr+3 बन जाएगा। क्या क्लियर है क्या? इसी तरह से KMnO4 भी उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और Mn2+ बन जाएगा खुद, और उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है, ये क्या बन गया सल्फेट, और ये भी क्या बन गया सल्फेट। क्या बताइए मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है? पक्के से? वेरी नाइस। आगे चलते हैं इसके जस्ट बाद में। इसके जस्ट बाद में बोलो अगली टेस्ट कौन सा होता है? नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो टेस्ट कौन सा होता है? नेक्स्ट टेस्ट बता सकता है कोई मुझे? क्या प्रेसिपिटेशन टेस्ट होता है? तो हम नीचे आ गए प्रेसिपिटेशन। बताओ प्रेसिपिटाइजिंग एजेंट 3 होते हैं, कौन कौन से प्रेसिपिटाइजिंग एजेंट होते हैं कोई मुझे बता सकता है? प्रेसिपिटाइजिंग एजेंट 3 प्रेसिपिटाइजिंग एजेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं प्रेसिपिटाइजिंग एजेंट, कौन बता रहा है मुझे? BaCl2 CaCl2 AgNO3 और लेड एसीटेट। सबसे पहले BaCl2 के साथ, क्या BaCl2 के साथ BaSO3 बन जाएगा? व्हाइट पीपीटी। इसका बनना टेस्ट हो गया, इसको डाइल्यूट HCl में डालेंगे और वो गेट डिसॉल्व, टेस्ट खत्म। अब यहाँ से चालू होता है IIT के रेंडम क्वेश्चंस। वो बोलेगा अगर आप ये बन गया और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो एक ऐसा सब्सटेंस बनेगा जो कि किसी में भी डिजोल्व नहीं होगा। याद करो BSO4 दुनिया में किसी के बाप से नहीं डरता, याद आया आप लोगों को? अगर डरता है तो सिर्फ किसके बाप से डरता है? खुद के बाप से, वो भी गुस्से में, याद आया? ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डिजोल्व हो जाता है। ये देखो ये लिखा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में ये डिजोल्व हो जाता है। ये सब बातें आप लोगों को याद है? ओके इस तरह से लेड एसीटेट डाला, लेड एसीटेट डालेंगे तो क्या बन जाएगा? PbSO3 बन जाएगा। PbSO3 में NaOH डालेंगे तो याद करो पहले तो बनेगा PbOH होल ट्वाइस, और एक्सेस डालने पर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये एम्फोटेरिक है। याद करो एम्फोटेरिक जो होते थे क्या वो डिजोल्व हो जाते थे? हमने पढ़ा है एम्फोटेरिक जो होते थे वो एक्सेस NaOH में डिजोल्व हो जाते थे। क्या ये बात आप सभी बच्चों को याद है या नहीं? बोलो सभी बच्चों को याद है, बहुत ही बढ़िया।
चलें आगे। इसके अलावा अगेन ये आईआईटी जैसा क्वेश्चन आ गया कि उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे तो क्या होगा, पीबीएसओ4। पीबीएसओ4 भी दुनिया में किसी के बाप से नहीं डरता। हाँ ये जरूर है कि कॉन्सेंट्रेट एचएनओ3 क्योंकि कॉन्सेंट्रेट गुस्से में है इसलिए उससे डर जाता है और उसके साथ क्या करता है ये, दैट इज स्पेरिंगली सोल्युबल बनाता है। क्या बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बोलो कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है AgNO3। AgNO3 डालोगे तो Ag2SO3 बन जाएगा। एक बात बताओ, जब मेटल ज्यादा होता है और लिगेंड ज्यादा होता है कॉम्प्लेक्स कब बनता है? बोलो, जब लिगेंड की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब यहां पर मैंने डाला ड्रॉप ऑफ AgNO3 यानी कि मेटल कम है तो अपने आप ही लिगेंड ज्यादा हो गया इसलिए कॉम्प्लेक्स बन गया। यहां पर एक्सेस AgNO3 डाला यानी कि मेटल ज्यादा है तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, सिंपल सॉल्ट बन जाएगा। तो सिंपल सॉल्ट बन गया Ag2SO3। अब ऐसी कंडीशन में आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बॉइल वाली कंडीशन बताई थी कि इसको अगर अपन बॉइल करेंगे तो ये Ag बन जाएगा जैसा कि नॉर्मली होता है। सिर्फ Ag2CO3 के केस के अंदर Ag2O बन रहा था और वो भी कब, बॉइल करने पर, सॉलिड स्टेट के अंदर तो वो भी वही बना रहा था। क्या मेरी बात यहाँ सभी तक बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? बोलो। ठीक है आगे चलते हैं। इसके बाद में यहाँ आता है टेस्ट बेस्ड ऑन रेडॉक्स प्रॉपर्टीज। बताइए अभी अभी हमने बताया था कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बोलो +4। तो क्या वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, दोनों चीजें कर सकता है क्या वो? क्या वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, दोनों चीजें कर सकता है क्या वो? आप लोगों को मिरर इमेज तो नहीं दिख रही है ना? जो ये लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली सीधा ही दिख रहा है ना? मिरर इमेज तो नहीं दिख रही ना? हाँ क्योंकि मुझे मेरे कंप्यूटर के अंदर यहाँ मिरर इमेज दिख रही है। आप लोगों को तो सही दिख रहा है ना प्रॉपरली? ठीक है तो अब यहां पर हम बात करते हैं टेस्ट बेस्ड ऑन रेडॉक्स प्रॉपर्टीज। टेस्ट बेस्ड ऑन रेडॉक्स प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाता है कि हमने उसकी रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराई तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सबसे पहले उसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया था इसकी ब्लीचिंग टेम्परेरी होती है। क्या याद है आप लोगों को इसकी ब्लीचिंग टेम्परेरी कैसे होती है? कोई याद दिला सकता है वापस से मुझे? सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर हम कहते हैं कि जो कलर है वो रिज्यूम कर जाता है। क्या बात याद, आप सभी बच्चों को याद है ये? क्योंकि सनलाइट जो होती है वो वापस से उसको ऑक्सीडाइज करते है। ये बेचारा रिड्यूस करता है उसको, रिड्यूस करके और गाड़ी को आगे बढ़ाता है, ब्लीच कर देता है क्लॉथ को। लेकिन जो सनलाइट होती है वो वापस से उसको क्या कर देती है, सनलाइट उसको क्या कर देती है बताओ बेटा? ऑक्सीडाइज कर देती है। मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके ये हो गया, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है अगली चीज, दैट इज H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको ऑक्सीडाइज करके सल्फेट बना देगा। Cl2Br2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको ऑक्सीडाइज करके सल्फेट बना देंगे। अगर देखा जाए तो इसी तरह से Fe+3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडाइज करके सल्फेट बना देगा। इस तरह से CaO Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडाइज करके सल्फेट बना देगा और खुद रिड्यूस होकर देख लो आप, H2O2 H2O बना रहा है, Cl2Br2 I2HX बना रहा है, Fe+3 जो हो रहा है वो Fe+2 बना रहा है, CaOCl2 CaCl2 बना रहा है, जिसमें क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गए। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ क्या रिएक्शन है? रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ अगर अपन रिएक्शन की बात करें तो आपको ये रिएक्शन तो बहुत तो बार मैंने बता दी है। ये रिएक्शन याद करो, SO2 की रिएक्शन अगर H2S के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सल्फर प्लस वाटर। हमें क्या मिलेगा? सल्फर प्लस वाटर। ये हमने कहा कि ये +4 है, ये -2 है, दोनों मिलके 0, दैट इज सल्फर में आ गए। दूसरा क्या आपको मालूम है, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl नेसेंट एच बनाता है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर ये वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो सोचो इसको, ये फोर्थ फ्लोर पे था, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था,
उसको रिड्यूस करके सीधा -2 अंडरग्राउंड में लेकर चला गया। इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या ये बात आप सभी बच्चों को याद है या नहीं है? बोलो। ये पूरा पेज में जो समझाया है वो सभी को क्लियर है? नीचे कुछ नोट पॉइंट्स लिखे हैं वो भी अपन देख सकते हैं। यहां ये कह रहा है कि SO2 गैस मोर सॉल्युबल होती है पानी में, क्योंकि उसका तो बेंट स्ट्रक्चर होता है ना, तो SO2 वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होती है बजाय CO2 के। तो CO2 जो होती है वो तो पानी में क्या करती है, ब्रिस्क एफरवेसेंस देती है। पानी में जैसे ही इनो डालते हैं एक हिस साउंड के साथ CO2 बाहर निकल जाती है। जबकि SO2 बीइंग मोर सॉल्युबल अपने आप नहीं निकलती है, वार्म करने पे निकलती है, इसलिए हमें वो ब्रिस्क एफरवेसेंस की या फिर वो हिस साउंड हमें सुनाई नहीं देती है। तो यहाँ कहता है एज SO2 गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर एफरवेसेंस इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस। कहता है ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इज परमानेंट, वेयर एज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू रिड्यूसिंग एक्शन इज टेम्पररी। क्या ये बात आप सभी को याद है या नहीं है? बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे चलते हैं। अगला नंबर है, यहां पर हमने कहा कि H2SO3 और SO2 एग्जिबिट बेटर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, उसको ज्यादा क्या पसंद है। इसको हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट से सीखा था। ये जो रीजन है इसका क्या रीजन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमने क्या सीखा कि नीचे वाले जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 स्टेबल होती है, लेकिन ऊपर वाले जो लोग होते हैं उनकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सल्फर हुआ, सिलेनियम हुआ और टेल्यूरियम हुआ। सल्फर के केस में +4 और +6 में से +6 मोर स्टेबल, सिलेनियम के केस में +4 और +6 में से +6 स्टेबल, लेकिन टेल्यूरियम के केस में +4 और +6 में से +4 ज्यादा स्टेबल। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने आपको सिखाया और उसके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं, उसके बेसिस पे आप लोग ये वाली बात कह सकते हैं कि सल्फर की टेंडेंसी होगी +4 से +6 में जाने की। बोलो, ये बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है? बोलिए, कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई भी तरह का डाउट हो तो पूछिए। ब्लीचिंग एक्शन जो तो ऑक्सीडाइजिंग वाली प्रॉपर्टी वाला परमानेंट इसलिए होता है ना, क्योंकि फिर सनलाइट पे ऑक्सीडेशन करती है तो उसमें कर दिया तो बाकी सनलाइट का देता है। 100% एग्री तुम्हारी बात से, कोई गलत नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यहां देखते हैं अगली चीज आती है, दैट इज सल्फाइड। सल्फाइड, सल्फाइड्स की सॉल्युबिलिटी बताओ क्या है। सल्फाइड्स की सॉल्युबिलिटी जल्दी से बताओ, सल्फाइड्स की सॉल्युबिलिटी क्या है? ऑल सल्फाइड सॉल्ट्स आर वाटर, ऑल सल्फाइड सॉल्ट्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट एस ब्लॉक। क्या बात सभी को याद है? आप देख सकते हैं यही चीज यहां लिखी है कि यहां पर ऑल सल्फाइड सॉल्ट्स आर वाटर ऑफ एस ब्लॉक आर वॉट। अब देखो ये इतना छोटा लिखा है ना, ये यही दिख सकता है, उधर अपन उस बोर्ड पे पढ़ते तो नहीं दिख पाते। ऑल सल्फाइड सॉल्ट्स ऑफ एस ब्लॉक आर वाटर सॉल्युबल एंड कलरलेस, वेयर इज सल्फाइड सॉल्ट्स ऑफ पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक आर वाटर इनसॉल्युबल एंड यूजुअली कलर्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। क्या ये बात सभी बच्चों को याद है या भूल गए? सभी बच्चों को ये बात पक्के से याद है? कोई जरा सा भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बोलिए, अब आप मुझे जरा इसके इसी जगह से कलर के बारे में बात बताइए। एस ब्लॉक के कलर की बात करनी नहीं है, अब अपन किसके कलर के बारे में बात कर रहे हैं? बोलो, हम बात कर रहे हैं कलर ऑफ पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। तो आप लोगों को पता है कि अगर मैं ये मैंने सिखाया था कि अगर आपके पास डी ब्लॉक का कोई कैटायन है, डी ब्लॉक है का कोई कैटायन है, या फिर Pb+2 है, या फिर Bismuth+3 है, इन Bismuth+3 है, इन सबका जो सल्फाइड होता है वो सल्फाइड कैसा होता है, क्या ब्लैक कलर का होता है? अरे हाँ या ना? एक्सेप्ट तीन लोग थे, एक्सेप्ट तीन लोग थे, बताओ कौन कौन? ZnS कलर कैसा, CdS कलर कैसा, और MnS कलर कैसा, जल्दी से बता दो मेरा बेटा। ये हो गया व्हाइट, ये हो गया येलो, और ये हो गया पिंक। ये बात सभी बच्चों को याद है या नहीं? इसके अलावा हमारे पास था सबसे सुंदर ऐश्वर्या, बताओ इनके कलर्स क्या थे, इनके सल्फाइड से कलर क्या थे?
क्या ये सब कलर्ड थे, ये हमने याद करा था कि ये सब के सब कैसे होते हैं कलर्ड, इनके कलर क्या थे, हमने कहा था उसकी नीड नहीं है समझने की। बोलो क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो डन। ये यहां पर कहता है, ये यहां कहता है सेकेंड पार्ट, सल्फाइड सॉल्ट ऑफ ए एल प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री एंड एम जी प्लस टू डू नॉट एग्जिस्ट इन एक्वस सोल्यूशन बिकॉज दे रेडिली गेट हाइड्रोलाइज इन टू कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्रोक्साइड ड्यू टू देयर लो के एस पी सो दे आर प्रिपेयर इन ड्राई कंडीशन। एफ ई प्लस थ्री शोज रिडॉक्स रिएक्शन विद सल्फाइड। क्या ये बात हमने याद है कैटायन के कॉस्ट में भी पढ़ी थी रिएक्शन में, जब हमने एच टू एस गैस पास करी थी तो क्या हुआ था? बोलो ये बात याद है आप लोगों को? चले आगे। आगे कहता है ये ट्रेन लिखी हुई है, जो आगे लिखी हुई है ट्रेन लिखी हुई है। क्या FeS इज द ओनली ब्लैक मेटल सल्फाइड सॉल्ट डिकम्पोज बाय नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स लाइक डाइल्यूट HCl डाइल्यूट SO4 वेयर अदर रिमेनिंग ब्लैक सल्फाइड्स आर डिसॉल्वड इन ऑक्सीडाइजिंग एसिड that is hot dilute HNO3 and except HGS which is insoluble in hot dilute HNO3 but soluble in aqua regia। ये बात सभी बच्चों को याद आ गई? बोलो ये बात सभी बच्चों को याद आ गई या नहीं आ गई? कोई कंफ्यूजन? चले आगे। ठीक है, अब यहां पर अगेन हम लोग सेंट्रल एटम पर आ जाते हैं, दैट इज सेंट्रल बीकर पे आ जाते हैं, दैट इज सोडा एक्सट्रैक्ट। इसमें हमने डाइल्यूट HCl डाइल्यूट HSO4 डाला, जैसे हमने डाला तो उसमें से क्या बाहर निकला? H2S निकला। क्या बाहर निकला? H2S निकला बाहर। तो H2S की प्रॉपर्टीज क्या है? दैट इज ऑब्जर्वेशन है कलरलेस कलरलेस पॉइजनस गैस हैविंग रॉटन एक्स स्मेल लेड एसीटेट पेपर को ब्लैक कर देती है। क्या ये बात तो कॉमन सेंस है? लेड एसीटेट के साथ अगर मैंने H2S की रिएक्शन कराई तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि PbS बनेगा, और PbS का कलर कैसा होता है? ब्लैक। PbS का कलर कैसा होता है? ब्लैक। क्या बताइए मेरे सारे बच्चे, मेरी बात समझ में आ रही है बेटू या नहीं आ रही है? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए। नहीं। अब H2S माइनस टू में बैठा है। H2S कहां बैठा है? माइनस टू में। अगर वो माइनस टू में बैठा है तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अगर वो माइनस टू में बैठा है, माइनस टू अंडरग्राउंड में बैठा है तो ये बात क्लियर है कि वो पक्की बात है कि वो ऑक्सीडाइज ही हो सकता है, और नीचे तो नहीं जा सकता, और नीचे तो नहीं जा सकता या जा सकता है? क्या बोलते हो आप लोग? बात समझ में आ गई? तो हमने अब इसकी रिएक्शन करवाई किस किस के साथ में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही K2Cr27, KMnO4 और IO3-, इन तीनों के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे और सल्फर बना देंगे। क्या बना देंगे? सल्फर। H2S माइनस टू से जीरो सल्फर, माइनस टू से जीरो सल्फर, माइनस टू से जीरो सल्फर, और ये खुद रिड्यूस हो जाएंगे। किस किस में रिड्यूस हो जाएंगे? Cr प्लस थ्री में रिड्यूस हो जाएगा, ये Mn2 प्लस में रिड्यूस हो जाएगा, ये दिखाई रहा है कि यहाँ पर ये I3 माइनस बना लेगा। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट? चले आगे। ठीक है,
इसके बाद में अगली चीज पे हम लोग चलने जा रहे हैं, और अगली चीज क्या है जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना, दैट इज स्ट्रेस बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बताओ ये CaCl2 और BaCl2 के साथ पीपीटी नहीं देगा? क्या आप में से कोई बता सकता है पीपीटी क्यों नहीं दे रहा है CaCl2 और BaCl2 के साथ? क्योंकि एस ब्लॉक के और एस ब्लॉक के सारे सल्फाइड वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्या लेड एसीटेट के साथ की क्या ब्लैक पीपीटी दे रहा है, और AgNO3 के साथ Ag2S का पीपीटी दे रहा है? अब क्या हम फिर से पीछे चलते हैं, और हमने अभी एक नोट का बाब पढ़ा था, वो क्या था, क्या था, ऑल इनसॉल्युबल सिल्वर सॉल्ट बिकम सॉल्युबल ऑन एडिशन ऑफ हॉट डाइल्यूट HNO3 एंड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लाइक CN- अमोनिया एंड हाइपो एक्सेप्ट AgS एंड Ag2S। ये रहा Ag2S, क्या एक्सेप्शन था Ag2S का, क्या आप में से कोई मुझे याद दिला रहा है Ag2S का एक्सेप्शन क्या था? क्या आप में से कोई मुझे याद दिला रहा है Ag2S का एक्सेप्शन क्या था? इधर देखो, क्या ये हॉट डाइल्यूट HNO3 में डिसॉल्व करने की बात है, Ag2S कर लेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्यों? क्या ये ट्रेन के बीच का डिब्बा है क्या, और ट्रेन के बीच का डिब्बा डाइल्यूट HNO3 में डिसॉल्व हो जाता है। आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट में CN नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो उसको डिसॉल्व कर लेगा, दैट्स इट। आगे चलते हैं अमोनिया, अमोनिया के अंदर ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अमोनिया इसको जाके अटैक करेगा, तो इसमें याद है मैंने बताया था पोलराइजेशन ज्यादा होता है कि इसको चेंज नहीं कर सकता। वैसे इस पे भी 2 नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यही चीज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, अभी देखना आपको मजा आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास Ag2S बना, ये जो Ag2S बना क्या हॉट डाइल्यूट HNO3 से ये रिएक्शन करेगा? यस सर, अमोनिया के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन साइनाइड के साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इज दैट क्लियर विद एवरीबॉडी? क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो, डन मेरा बेटा? आगे चलते हैं, इसके बाद अगली जो रिएक्शन हमारे पास आती है वो आती है रिडॉक्स, और रिडॉक्स के अंदर एक बात बिल्कुल सर्टेन है, एक बात बिल्कुल सर्टेन क्या है कि यहां पर इसकी रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ही हो सकती है, इट इज बिहेविंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप देख सकते हैं Cl2Br2I2 जो है वो ऑक्सीडाइज करेंगे इसको और सल्फर की वाइट टर्बिडिटी बना देंगे, और ये खुद जो है वो HxCaCl2Fe+2 यहाँ पर SO2 के साथ सल्फर, हर जगह पर सेम रिएक्शन हो रही है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से पहले तो सल्फर ही बनेगी, बाद में ज्यादा डालेंगे तो वो SO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी हो सकता है, या अपन कह सकते हैं इसको और फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। H2O डालेंगे तो सीधे H2SO4, और ओजोन डालेंगे तो सीधे H2SO4, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर पे डिपेंड कर रहा है। अदरवाइज पहली जगह तो आपको सिर्फ सल्फर ही बनाना है, -2 से पहले ग्राउंड फ्लोर पे आओगे, फिर ऊपर जाओगे, ऊपर तो तब जाओगे जब आपको इतनी पावर हो ऊपर ले जाने की, अदरवाइज ऊपर नहीं जा सकते। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है, बोलो, सभी बच्चों को क्लियर है? अब आते हैं स्पेसिफिक टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब हम स्पेसिफिक टेस्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक टेस्ट क्या है? स्पेसिफिक टेस्ट के अंदर हमारे पास आता है पहला सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ये समझाने के लिए यहाँ पर अपन पेज इंसर्ट करेंगे और फिर सीखेंगे क्या है ये चीज, जरा बोर्ड पर बहुत ध्यान से गौर से सीखना इस टॉपिक को। दैट इज हमारे पास आता है स्पेसिफिक टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सल्फाइड, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सल्फाइड, उसमें पहला नंबर है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट क्या है सीखते हैं। इसके अंदर हमारे पास कौन है, इसमें हमारे पास है Na2FeCN5NOS NO, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड। ये जो सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड है इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है और NO पे +1 चार्ज होता है।
जब हम इसकी रिएक्शन Na2S के साथ करवाते हैं तो Na2S जो होता है वो इसके अंदर एंटर कर जाता है और कंपाउंड बन जाता है Na4FeCN5 और NOS। मैं क्या कहना चाहता हूँ उस बात को आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। क्या इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। एक पहली बात की आयरन अभी भी प्लस टू में ही है, दैट इज नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी है? नॉन रिडॉक्स, ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, एक बात। दूसरी बात, ये जो कंपाउंड है दिस इज पर्पल सोल्यूशन, पर्पल सोल्यूशन, ये पर्पल सोल्यूशन है। इस पर्पल सोल्यूशन का बनना इस बात को प्रूव करता है कि यहां पर Na2S मौजूद था, सल्फाइड मौजूद था, लेकिन इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है क्योंकि इस दिस इज गोइंग टू एंटर इन द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर करना चाहिए। अगर इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं हुई, अगर इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं हुई तो ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, यही चीज आप लोगों को यहां समझाई गई है। हैव अ लुक, वो यही सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाल रहा है एसिडिफाइड। अच्छा अंगद, जल्दी से मुझे ये बता दे कि मैंने आपको तीन तरह के H2S पढ़ाए थे, याद है आप लोगों को? तीन तरह के H2S मैंने पढ़ाए थे आप लोगों को। जब मैं आपको कैटायंस की रिएक्शंस करा रहा था तो मैंने आपको तीन तरह के H2S कराए थे। क्या क्या थे वो तीन तरह के H2S? H2S इन एसिडिक मीडियम, H2S इन बेसिक मीडियम, क्या था वो? सल्फाइडी कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे सिखाया था मैंने आपको। अगर मेरे पास है H2S इन एसिडिक मीडियम, मेरे पास है H2S नॉर्मल और मेरे पास है H2S इन बेसिक मीडियम, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक कि कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा किसकी होती है? सल्फाइड कॉन्सेंट्रेशन, सल्फाइड कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा किसकी बताई थी मैंने, बता बेटा। क्या सबसे ज्यादा H2S इन बेसिक मीडियम की होती है, उसके बाद किसकी होती है? फिर उसके बाद H2S नॉर्मल की होती है, फिर H2S एसिडिक मीडियम की होती है। आपको सिखाया अंगद कैसे गलती कर रहा है भाई, एसिडिक मीडियम में तो उल्टी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है ना, क्या कर रहा है? तूने भी यही बोला था क्या? ठीक है, मुझे सुनाई दिया, तूने इसके बाद H+ बोला था बेसिक के बाद। H+ सबसे पीछे जाएगा, देख ध्यान से। सभी को मेरी बात समझ में आ गई? पहली रिएक्शन सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो टेस्ट होता है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ मिथाइलीन ब्लू डाई। इसका प्रिपरेशन इसका टेस्ट है। आइए सीखते हैं कैसे। सबसे पहले हमको दिया रहता है पैरा NN डाइमिथाइल पैरा अमीनो एनिलीन। यह है NN डाइमिथाइल पैरा अमीनो एनिलीन। इसकी रिएक्शन हमें करानी होती है वही Na2S के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Fe+3 विच इज बिहेविंग लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। IIT ने इस Fe+3 पे ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। रिएक्शन में सल्फाइड का टेस्ट है लेकिन Fe+3 की प्रेजेंस एक हमारे लिए क्वेश्चन का पार्ट थी। जब ये टेस्ट किया जाता है तो हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट या अपन कह सकते हैं जो हमें यहाँ पर आंसर देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है? थोड़ा सा मतलब अपन कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो मतलब डिफरेंट है, हमें लर्न करना पड़ेगा वो स्ट्रक्चर। अगर आपने लर्न नहीं करा तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर आता है डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, उस पर लगे दो मिथाइल, तो नाइट्रोजन के चार बॉन्ड हो गए पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड,
इस तरह से, और इस जगह पर एक और डबल बॉन्ड ऐसे लगा देता हूँ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ आएगा सिंगल बॉन्ड, इस जगह पर आ जाएगा नाइट्रोजन और वही दो मिथाइल। इसको कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि दो मॉलिक्यूल आपस में कपल कर गए। प्रोडक्ट साइड के अंदर हमें क्या मिलता है, Fe प्लस टू मिलता है, एक साथ में हमें मिलता है NH4 पॉजिटिव और साथ के अंदर हमें यहाँ पर H प्लस मिलता है। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ Fe प्लस थ्री इनटू Fe प्लस टू और जो कंपाउंड बना दिस इज नोन एज मिथाइलिन ब्लू डाई। ये मिथाइलिन ब्लू डाई कहलाती है और ये मिथाइलिन ब्लू डाई का फॉर्मेशन इज द टेस्ट फॉर सल्फाइड। ये सल्फाइड का टेस्ट है। अब सल्फाइड के टेस्ट तो है लेकिन ये हमारे लिए वैसे भी जरूरी है। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई, बोलिए सभी बच्चे। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको सल्फाइड कराया जिसका मैंने आपको कॉन्फर्मेटरी टेस्ट करा दिया। एक कॉन्फर्मेटरी टेस्ट क्लियर है सभी बच्चों को। अगला नंबर है थायोसल्फेट। क्या थायोसल्फेट हमने क्लास में कर लिया था या नहीं करा था? मेरे बेसिस पे हमने अपने कर तो दिया था लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्या बेटा? थायोसल्फेट अपन ने उसके दौरान किया था ना। चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करके चलते हैं। आयन का नाम है थायोसल्फेट H2O3 2 नेगेटिव। थायोसल्फेट की सॉल्युबिलिटी हमने आपको याद दिलाई थी। क्या थी थायोसल्फेट की सॉल्युबिलिटी, बोलो क्या थी थायोसल्फेट की सॉल्युबिलिटी? ऑल थायोसल्फेट सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट, आज भी क्यों नहीं, होंगे ही होंगे बाराती पागल। क्या ये बात याद है आप लोगों को? आज भी नहीं होंगे ही होंगे सारे बाराती पागल। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास बीचों बीच सोडा एक्सट्रैक्ट है। सोडा एक्सट्रैक्ट में हमने डाइल्यूट HCl डाला। इसकी रिएक्शन हमने क्लास के अंदर कराई थी आपको। क्या थी इसकी रिएक्शन, बोलो याद दिलाओ क्या थी इसकी रिएक्शन? क्या इसकी रिएक्शन में हमको SO2 प्लस सल्फर, हमने कहा था हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। SO2 यहाँ पे भी निकल रही है, SO2 वहां पे भी निकल रही है। देयर मस्ट बी अ डिफरेंशिएटिंग टेस्ट बिटवीन उधर SO2 जो निकल रही थी उसमें और जो यहाँ SO2 निकल रही है उसमें। ऑब्जर्वेशन कलरलेस गैस हैविंग सफोकेटिंग ऑर्डर, ये बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी है जो हमने उधर पढ़ा था। तो डिस्टिंक्शन टेस्ट होना चाहिए, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखते हैं। प्रेसिपिटेशन में हम इसको डिस्टिंग्विश कर लेंगे। बताओ CaCl2 के साथ ये PBT नहीं देगा क्योंकि ये तो आज ये तो है आज भी क्यों नहीं होंगे ही होंगे बाराती पागल है। तो कैल्शियम के बारे में तो अपन समझ ही पा रहे हैं कि कैल्शियम का यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, PBT नहीं आना चाहिए, जबकि वहां तो CaSO3 इनसॉल्युबल है। तो दिस इज द वे जिसके अंदर हमने सीख लिया कि CaCl2 यहाँ तो PBT नहीं दे पा रहा है जबकि वहां CaCl2 के साथ में PBT आएगा। क्या बताइए, मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है क्या? BaCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर भी PBT आएगा, BaH2O3 वहां पर भी PBT आएगा। यहाँ पर लेड के साथ रिएक्शन करेंगे तो Ag2H2O3 आएगा, लेड के साथ रिएक्शन करेंगे तो Ag2H2O3 आएगा। यहाँ पर PbH2O3 आएगा, Ag के साथ रिएक्शन करेंगे तो Ag2H2O3 आएगा। यहाँ रिएक्शन करेंगे Hg के साथ तो Hg2H2O3 आएगा। सब जगह पर रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है। लेकिन आप लोगों को याद होगा जब अपन वो टॉपिक पढ़ते थे आयोनिक बॉन्ड, उसके अंदर हम कहते थे थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर होती है। पॉलीएटॉमिक स्पीशीज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर होती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बेरियम तो एस ब्लॉक का है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ हमने लिखा भी है थर्मली स्टेबल। ठीक है, जबकि यहाँ पर बाकी सब जगह पर पीबी की पोलराइजिंग पावर ज्यादा, एजी की पोलराइजिंग पावर ज्यादा और एचजी की पोलराइजिंग पावर ज्यादा। इन तीनों की अगर क्योंकि पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो ये हम देख सकते हैं कि दे आर रिलेटिवली थर्मली अनस्टेबल, और ये थर्मली अनस्टेबल की बात हमने कर दी। और अगर थर्मली अनस्टेबल है तो हीट करने पर डीकम्पोज होने चाहिए। ये थर्मली अनस्टेबल, थर्मली अनस्टेबल, थर्मली अनस्टेबल, ये हीट करने पर देखो डीकम्पोज हो गए। ये सभी जगह पर ऐसा ही हुआ, PbS यहाँ पर, Ag2S यहाँ पर, HgS क्या डीकम्पोज हो गए। इज दैट क्लियर विद एवरीबडी और नॉट? बोलो, कोई डाउट किसी बच्चे को?
चलें आगे। इसके अलावा हमने आपको बताया था आज भी क्यों नहीं होंगे, होंगे में वो नहीं जो था वो यही है, निकिल के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बना था वॉयलेट पीपीटी। ये हमने कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन के दौरान भी पढ़ा दिया था आप लोगों को, तो हमने यहाँ पर देखा पीपीटी बने। क्या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्लियर होगी सभी बच्चों को? अगली जो रिएक्शन है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बाद में, अगली जो रिएक्शन हमारे पास है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन। क्या दो तरह की रिएक्शन थी? एक रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जिसमें सल्फेट प्लस सल्फर बनता था, सल्फेट प्लस सल्फर, सल्फेट प्लस सल्फर, और दूसरी रिएक्शन थी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में जिसमें हमारे को क्या मिलता था, S4O6 2 नेगेटिव मिलता था, S4O6 2 नेगेटिव। क्या ये दोनों रिएक्शन पुरानी हमने पहले कर ली थी? कोई डाउट इसके अंदर किसी बच्चे को? अच्छा ठीक है, चलो देखो ध्यान से, कुछ चीजें सिखाने जा रहा हूं बोर्ड पर, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं Na2H2O3 की या थायोसल्फेट आयन की। जो H2O3 2 नेगेटिव आयन्स होते हैं इनकी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या H2O3 2 नेगेटिव एक प्रेसिपिटाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों को याद है कि कौन कौन सॉल्युबल है, इसके बारे में हमने स्टेटमेंट लिखा, ऑल H2O3 2 नेगेटिव सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल, ऑल H2O3 2 नेगेटिव सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, एक्सेप्ट क्या था बोलो, एक्सेप्ट क्या था? आज भी क्यों नहीं, क्यों नहीं होंगे, होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे बराती पागल। क्या ये बात तो हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन टेस्ट के लिए पढ़ लिया। दूसरा, क्या ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी है? क्या है ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट? अगर ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को वो रिएक्शन याद होनी चाहिए M पर N पॉजिटिव एक्वस, पर जब आप H2O3 2 नेगेटिव थोड़ा सा डालते हो तो अब ऐसी कंडीशन में प्रेसिपिटेट बन जाता है M और S2O3 होल, जनरली होल N, और यहाँ पर हमने कहा ये प्रेसिपिटेट बन गया जो भी सॉल्ट बनेगा। इस केस में याद दिलाना M कौन कौन है, ऊपर वाले हो जाएंगे क्या, प्रेसिपिटेट बनाने वाले कौन है? आज भी, आज भी क्यों नहीं को छोड़ दो, होंगे ही होंगे बाराती पागल, बोलो बोलो, कोई डाउट नहीं है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ये सब होने के बाद इसमें एक्सेस अमाउंट में डाल देते हैं क्या कंटेनर में। इसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, S2O3 2 नेगेटिव एक्सेस में डालते हैं। जब H2O3 2 नेगेटिव एक्सेस में डालते हैं तो क्या कॉम्प्लेक्स बन जाता है? अगर H2O3 2 नेगेटिव हमने एक्सेस में डाला और कॉम्प्लेक्स बन गया तो बोलो क्या कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? तब हम ऐसी कंडीशन में M S2O3 जनरली होल्ड ट्वाइस होता है, प्लस माइनस एन एक्वस, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना दिया, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स हमने बना दिया। अब पॉइंट आता है कि ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कौन कौन बनाता है, जो सेकंड स्टेप है यहाँ कौन कौन करेगा, सेकंड स्टेप यहाँ कौन कौन करेगा बोलो, बताओ बताओ जल्दी बताओ। गाइस
गजब है यार, मतलब बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है। आप लोगों को मैंने इस तरह की एक डीपीपी दी थी, आप लोगों को याद होगा, इस तरह की जब अपन थ्योरी पढ़ रहे थे तब सिखाया था। देखें जरा ध्यान से। थ्योरी पढ़ रहे थे तब इस तरह से, लिमिटेड एक्सेस, लिमिटेड एन एच फोर ओ एच एक्सेस एन एच फोर ओ एच, लिमिटेड के सी एन एक्सेस के सी एन, लिमिटेड के आई एक्सेस के आई। उसके बाद एस टू ओ थ्री टू नेगेटिव की बात करते हैं, तो एस टू ओ थ्री टू नेगेटिव में आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट पी ब्लॉक एच जी और ए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी यहां पर आ गया लिमिटेड एंड एक्सेस, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हम यहां पर अगर बात करें तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, एक तो पी ब्लॉक, एक यहां पर कौन हो जाएगा एच जी टू प्लस, और एक हो जाएगा हमारे पास ए जी प्लस वन। ये सब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स बनता है 656 कॉम्प्लेक्स, 654 कॉम्प्लेक्स कॉपर का, वो एक अलग से कॉम्प्लेक्स है, वो अपन अलग से देखेंगे। अदरवाइज कौन कौन कॉम्प्लेक्स बनाता है वो आपके सामने। तीसरा, तीसरा हम बात करते हैं और वो क्या है, ये रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है। क्या शो करता है, रिडॉक्स रिएक्शन भी ये शो करता है। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमने दो चीजें बोली थी, एक क्या बोली थी कि अगर हमारे पास एस टू ओ थ्री टू नेगेटिव है, इसकी रिएक्शन हमने कराई है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, तो ऐसी कंडीशन में वो इसको ऑक्सीडाइज करके सल्फेट प्लस सल्फर में कन्वर्ट कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि कौन हो सकता है, KMnO4 हो गया, K2Cr27 हो गया, कौन हो सकता है, KMnO4 H+ हो सकता है, या फिर K2Cr2O7H+ हो सकता है, जैसे कि Cl2Br2 हो सकता है, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑन द अदर हैंड हम अगर इसकी रिएक्शन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराते हैं, तब ऐसी कंडीशन में वो इसको S4O6 2 नेगेटिव, दैट इज टेट्राथायोनेट बनाता है। क्या बनाता है, टेट्राथायोनेट बनाता है। अभी जो टेट्राथायोनेट बनाने वाले माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनमें कौन कौन आएगा, एक तो आयोडीन आ जाएगा जिसके आयोडोमेट्री रिएक्शन आप लोग पढ़ते हो, दूसरा आपके पास में इसका आ जाएगा Fe+3 जिसको आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा से कहते आ रहे हो, और तीसरा जो यहां पर आएगा वो कौन आएगा, Cr2+ जो भी एक तरह का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये रिएक्शंस हमको रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान समझनी होती है। अब यहां पर जरा इस बात को भी सीख लेते हैं, जरा देखो कि हमने Cl2 और Br2 की रिएक्शन कराई तो उसने इनको ऑक्सीडाइज, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग के पार्ट है, और अगर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पार्ट है तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं सल्फेट प्लस सल्फर में, और खुद Cl-Br- बना रहे हैं। एक्सेस Cl2 डालेंगे तो वो क्या होगा, इस सल्फेट और सल्फर सारा का सारा क्या बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा, और क्योंकि HCl बनेगा जो कि मोर एसिडिक है तो वो HSO4 नेगेटिव बना लेगा, H2SO4 को अपना H+ दे देगा, क्योंकि H2SO4 को अपना H+ दे देगा और इसीलिए NaHSO4 बन जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है, आगे चलते हैं। एसिडिफाइड KMnO4 एसिडिफाइड है तो Mn+2 बनाएगा, K2Cr2O7 एसिडिक है तो Cr+3 बनाएगा, इसको सल्फेट प्लस सल्फर, सल्फेट प्लस सल्फर सेम बना रहा है। Fe+3 और कॉपर को पहले देखना, ये Fe+3 और ये Cr2+ है। आप में से कौन मुझे बता रहा है इसको देखकर ध्यान से कि Fe+3 और कॉपर में से पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा है? ऑफ कोर्स चार्ज आप देख सकते हैं, चार्ज किसका ज्यादा है, Fe+3 का चार्ज ज्यादा है, और अगर Fe+3 का चार्ज ज्यादा है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो वो रिडॉक्स बाद में करेगा। जबकि कॉपर की अगर अपन बात करेंगे तो कॉपर के केस के अंदर रिडॉक्स करने की एबिलिटी ज्यादा है, तो ऐसे केस में बिल्कुल क्लियर है कि ये पहले करेगा रिडॉक्स और बाद में करेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जबकि Fe जो है वो पहले करेगा क्या, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, पहले क्या करेगा वो,
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और बाद में वो क्या करेगा, रेडॉक्स करेगा। ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है उनकी नेचर पे। तो एफई ने देखो पहले कॉम्प्लेक्स बना लिया, वॉलेट कॉम्प्लेक्स बना लिया, और यहां देखा जाए तो इसके बाद में अगर आपने एक्सेस डाला तो जाके उसने रिडॉक्स करी, और रिडॉक्स करके वही बनाएगा S4O6 2- as expected। On the other hand, हमने यहाँ पर अगर कॉपर की बात करी तो कॉपर पहले +2 से +1 में चला गया, पहले उसने रिडॉक्स करी, और एक्सेस डालने पर उसने एक नया तरह का कॉम्प्लेक्स बनाया। इसको मैंने लर्न करने का तरीका बता रखा है 654 कॉम्प्लेक्स। क्या बोल रखा है मैंने इसको, 654 कॉम्प्लेक्स। अधिकतर बच्चे इस तरीके से वर्ड को यूज करके याद कर लेते हैं, दिस इज नोन एज 654 कॉम्प्लेक्स। क्या मेरी बात सभी बच्चों को याद है या नहीं, समझ में आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बोलो। कोई डाउट किसी बच्चे को? डन। आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, I2 कन्वर्ट हो जाएगा I- में, और इसको कन्वर्ट कर देगा S4O6 2 नेगेटिव। ये क्लियर हो गया। अब यहां देखते हैं इस जगह पर जो रिएक्शन है, दीज आर अ डिस्टिंक्टिव रिएक्शन स्पेसिफिक टेस्ट। उसके अंदर सिर्फ आपको यहां तक की रिएक्शन पता होनी चाहिए। जब S2O3 2 नेगेटिव पे साइनाइड इन बेसिक मीडियम डालते हैं तो SCN नेगेटिव बनता है, और SCN नेगेटिव की Fe+3 के साथ रिएक्शन करने पर FeSCN होल थ्राइस बनता है, विच इज ब्लड रेड सोल्यूशन। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। यहां तक की बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाली चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Fe+3 दो लोगों के साथ में ब्लड रेड कलरेशन देता है, एक तो ये SCN के साथ में और एक एसीटेट के साथ में। नीचे लिखा भी होगा, नहीं है एसीटेट के दौरान, इस बात को देख लेते हैं, वहां लिखा होगा, ये रहा। या मैं नीचे इस जगह पर नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, यहां पर लिख देता हूँ। Fe+3 की प्रॉपर्टीज में है ये, Fe+3 गिव्स रेड कलरेशन विथ, किस किस के साथ रेड कलरेशन देता है, विथ SCN- एंड एसीटेट। आप लोगों के जो बुकलेट आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिली हुई है उसके अंदर देखना, एसीटेट में नीचे लिखा होगा, यहाँ पे जो नोट पॉइंट है वो चला गया गलती से, उसके अंदर होगा ये लिखा हुआ। आपके पास जो है ना, देखना उसके अंदर दिख जाएगा, है ना, उसके अंदर लिखा हुआ, वो इसमें से चला गया, लफड़ा वो हो गया। क्या बोलो, यहां तक की मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई पूरी तरह? ये हमने कर लिया थायोसल्फेट हमने कर लिया। इसमें नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देखो थायोसल्फेट जो है वो मेनली रिड्यूसिंग करेक्टर शो करता है, बहुत अच्छी बात है, और इसी कारण से वो एंटी क्लोर की तरह काम आता है। एंटी क्लोर मतलब जैसे कि अगर मान लो किसी ब्लीचिंग के दौरान एक्सेस Cl2 डल गई तो वो उसको रिमूव कर सकता है, तो वो उसको क्या कर देगा, रिमूव, क्योंकि वो Cl2 से रिएक्शन कर लेता है ना, अभी हमने पढ़ा था, वो Cl2 से रिएक्शन कर लेता है, तो इट कैन बी यूज्ड एज एंटी क्लोर। क्या बताओ मेरा बेटा, सभी बच्चों को क्लियर हो गया या नहीं हो गया? बोलो, कोई डाउट? समझ में आ गई सभी बच्चों को बात? अब एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की जो शीट है उसको डिस्कस करने की इच्छा हो अगर आपकी, तो आप बताओ कैसे डिस्कस करनी है। नहीं मतलब एक्चुअली क्या है कि इस तरीके से तो सॉल्व नहीं होगी कि आपको कुछ आता जाता नहीं और सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता जाऊं या डिस्कस करता जाऊं। तो ऐसा करूंगा कि मैं उसके आंसर आपको दे देता हूं, आप उसको सॉल्व कर लेना, और जहां डाउट है वहां आप डाउट मुझसे पूछ लेना, जहां आपको ऐसा लगेगा वहां पे अपन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ऐसे तो सारे क्वेश्चन तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, कि आप क्या है कि उसको नहीं करोगे तो मेरा मामला बैठेगा नहीं, ठीक है ना। ऐसे हर एक क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं करूंगा, कि उसके लिए तो पढ़ना जरूरी है, और यहाँ पढ़ने का मामला थोड़ा सा ढीला है, ठीक है। अगले टर्न पे हम लोग एसीटेट और इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे।
आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, थैंक यू।